कोलकाता की दुर्गा पूजा का माहौल, विशेषकर बाग बाजार, सर्वोजानिन दुर्गा पूजा पंडाल और हावड़ा ब्रिज के आसपास का इलाका किसी उत्सव से कम नहीं होता। शहर की सड़कों पर रंग बिरंगी रोशनी, ढोल धमाकों की आवाजें और लोगों का उल्लास हर तरफ फैला हुआ था। ऐसी ही एक शाम, पांच दोस्त राहुल, नील, प्रिया, अंकिता और शंकर ने सोचा कि इस बार दुर्गा पूजा के मौके पर एक नाइट आउट करना चाहिए। ये दोस्तों का ग्रुप कॉलेज के दिनों से बहुत करीबी था और हर साल दुर्गा पूजा में सात वक्त बिताने का प्लान बनाते थे। इस बार वे कुछ अलग करना चाहते थे। पूरी रात कोलकाता की गलियों में घूमना, पंडालों के दर्शन करना और दुर्गा माँ के आगमन का जश्न मनाना। शाम के करीब 8 बजे सब लोग हावड़ा ब्रिज के पास मिले। ब्रिज पर खड़े होकर नीचे बहती हुगली नदी की ठंडी हवाओं का आनंद लेते हुए वे लोग बाग बाजार सर्वोजानिन की ओर निकल पड़े, जहां माँ दुर्गा की विशाल मूर्ति स्थापित की गई थी। रात का समय होते हुए भी हर ओर भीड़ थी। लोग माँ दुर्गा के दर्शन के लिए आते जाते दिख रहे थे। चारों ओर ढाक की आवाज गूंज रही थी और धूप धुनी की महक फैली हुई थी। सब कुछ सामान्य और खुशहाल लग रहा था, जब तक उन्होंने पंडाल के पास एक अजीबोगरीब घटना महसूस नहीं की। राहुल, जो हमेशा खुद को बहुत तर्कसंगत और साहसी मानता था, अचानक ठिठक गया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है, कोई छाया उसके कंधे पर हाथ रख रही है। पहले तो उसने इसे अपनी कल्पना माना, लेकिन कुछ ही देर में बाकी दोस्तों ने भी इसी तरह की अजीब फीलिंग्स महसूस की। प्रिया ने देखा कि पंडाल की सजावट में कुछ ऐसा है जो उसकी आंखों को खटक रहा था। एक कोने में कुछ परछाइयां ऐसी थीं जैसे वे मूर्तियों के अलावा किसी और की हों। नील ने मजाक में इसे भूतों का असर कहकर हंसाने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में भी हल्की सी घबराहट होने लगी थी। पंडाल से निकलते वक्त उन्होंने सोचा कि शायद यह सिर्फ उनकी थकान की वजह से हुआ होगा। उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और अगले पंडाल की ओर बढ़ने लगे। मगर जैसे जैसे रात बढ़ती गई, अजीब घटनाएं भी बढ़ने लगीं। शोभा बाजार की ओर जाने वाले रास्ते पर, जो हमेशा चहल पहल से भरा रहता है, अचानक सन्नाटा छा गया। वहां की रोशनी अचानक धुंधली होने लगी और हवाओं में एक ठंडक घुल गई जो उनकी हड्डियों तक पहुंच रही थी। राहुल ने फिर से महसूस किया कि कोई उनके पीछे चल रहा है, लेकिन इस बार जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे दूर धुंधली आकृतियां दिखीं, मानव आकृतियां जो हवा में तैर रही थीं। अब घबराहट सभी के चेहरों पर साफ दिखने लगी थी। प्रिया की आवाज कांपने लगी, यहां कुछ तो सही नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए। शंकर, जो हमेशा से सबसे बेफिक्र था, ने भी सहमति जताई। लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका आया और उनके चारों ओर की रोशनी पूरी तरह बुझ गई। पूरे शहर में जैसे अचानक अंधेरा छा गया हो। चारों तरफ सन्नाटा और सिर्फ उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने तुरंत बाग बाजार सर्वोजानिन की ओर लौटने का फैसला किया, क्योंकि वहां उन्हें सुरक्षा महसूस हो रही थी। जैसे ही वे वहां पहुंचे, माँ दुर्गा की प्रतिमा की दिव्यता ने उन्हें कुछ राहत दी। मूर्ति के सामने खड़े होते ही ऐसा लगा जैसे एक अदृश्य सुरक्षा कवच उन पर आ गया हो। मूर्ति की आंखें उन्हें ऐसे देख रही थीं जैसे वे सब कुछ जानती हों। उनकी घबराहट, उनके डर और उन पर मंडरा रहे अनदेखे खतरे को शंकर ने अचानक महसूस किया कि मूर्ति से एक तेज रोशनी निकल रही है जो सिर्फ उन पांचों पर केंद्रित थी। परंतु जैसे ही उन्होंने मूर्ति की तरफ ध्यान केंद्रित किया, एक जोरदार गूंज सुनाई दी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने आसमान में कोई मंत्र उच्चारण किया हो। रोशनी और भी तेज हो गई और इसके साथ ही वे सभी एक भयानक चीख सुनकर हिल गए। चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन पर हमला करने की कोशिश कर रही हो। दोस्तों का ग्रुप अब पूरी तरह से भयभीत था। उनके हाथ पैर कांपने लगे और दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। यह रात अब किसी सपने की तरह नहीं, बल्कि एक भयानक सच्चाई बन चुकी थी। तभी मूर्ति के पास खड़ी एक वृद्ध महिला ने उन्हें पुकारा। वह सफेद साड़ी में थी और उसके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। उसने उन्हें बताया, यह शक्ति तुम्हारे पीछे लगी हुई है, पर मां दुर्गा का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम बच सकते हो, लेकिन इसे खत्म करने के लिए तुम्हें दुर्गा मां के शरण में आना होगा। यह सुनकर वे और भी डर गए,
क्योंकि उन्हें अब तक यह समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा था। महिला ने उन्हें गंगा घाट की ओर जाने का सुझाव दिया, जहां मां दुर्गा की असली शक्ति प्रकट होगी और उनका रक्षण करेगी। हावड़ा ब्रिज के पास स्थित गंगा घाट तक पहुंचना अब उनके लिए सबसे कठिन यात्रा बन चुकी थी, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। दोस्तों का यह सफर अजीब घटनाओं और डरावने अनुभवों से भरा हुआ था। रात और भी गहरी होती जा रही थी, चारों ओर अंधेरा और हवाओं में चीखें गूंज रही थीं। वे धीरे धीरे घाट की ओर बढ़ते गए, लेकिन हर कदम भारी पड़ रहा था। तभी उन्हें महसूस हुआ कि अब उनकी यह यात्रा न केवल भौतिक थी बल्कि आध्यात्मिक भी हो चुकी थी। अब यह सिर्फ एक नाइट आउट नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच का संघर्ष बन गया था। एपिसोड एक की भयावह घटनाओं के बाद राहुल, नील, प्रिया, अंकिता और शंकर का हौसला टूट चुका था। रात और गहरी हो चुकी थी और शहर का उल्लासमय माहौल अब उनके लिए एक डरावने सपने जैसा लग रहा था। वे मां दुर्गा के शरण में जाने की उम्मीद में गंगा घाट की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन इस यात्रा के दौरान हर कदम जैसे उनके लिए एक नया खौफ लेकर आ रहा था। चारों ओर अजीब सी आवाजें और परछाइयां उनका पीछा कर रही थीं। हर बार जब वे पीछे मुड़कर देखते, उन्हें कुछ धुंधली आकृतियां दिखाई देतीं जो उनके पास आने की कोशिश कर रही थीं। हावड़ा ब्रिज की तरफ बढ़ते हुए हवा और तेज होती जा रही थी। हवाओं में अब केवल ठंडक ही नहीं बल्कि एक भयानक गूंज भी थी। वे पांचों दोस्तों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके साथ खेल रही हो। नील, जो हमेशा मजाक करता रहता था, अब चुप था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अंकिता ने सहमते हुए कहा, हमें जल्दी चलना होगा, ये जगह अब सुरक्षित नहीं है। शंकर ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन वह खुद भी भीतर से घबराया हुआ था। जैसे ही वे गंगा घाट पहुंचे, उन्हें वहां कुछ और अजीब घटनाएं देखने को मिली। घाट पर जल रही आरती की रोशनी अचानक बुझ गई। घाट का शांत वातावरण एकदम बदल गया। चारों ओर पानी की लहरें उफान मारने लगीं, जैसे कोई बड़ी ताकत उन्हें अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही हो। अब तक उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वृद्ध महिला ने उन्हें मां दुर्गा की शरण में आने का आदेश दिया था और अब वही उनकी आखिरी उम्मीद थी। उन्होंने गंगा की ओर देखा और तभी उन्हें घाट के ठीक सामने एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। मां दुर्गा की विशाल प्रतिमा, जो बाग बाजार सरबोझानिन के पंडाल में थी, अचानक उनके सामने प्रकट हो गई। प्रतिमा की आंखें चमकने लगीं और उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उस रोशनी ने अंधकार को चीरते हुए उन पांचों दोस्तों के चारों ओर एक सुरक्षा घेरे का निर्माण कर दिया। एक पल के लिए सभी के दिलों में शांति आ गई, लेकिन यह शांति भी क्षणिक थी। अचानक घाट के दूसरी ओर से अजीब सी आकृतियां उभरने लगीं। ये वही परछाइयां थीं जो उनका पीछा कर रही थीं, लेकिन अब वे और भी भयानक रूप ले चुकी थीं। ये छायाएं इंसानी शक्ल में नहीं थीं बल्कि विकृत और घिनौनी आकृतियां थीं जो हवा में तैर रही थीं। उनकी आंखें लाल थीं और उनमें से अजीब सी चीखें निकल रही थीं। राहुल ने घबराकर चिल्लाया, ये हमारे पीछे क्यों परी हैं? आखिर ये क्या हैं? प्रिया, जिसने हमेशा खुद को मजबूत साबित किया था, अब रोने लगी। उसे ऐसा लगने लगा कि अब उनका अंत निश्चित है। तभी मां दुर्गा की प्रतिमा से एक दिव्य आवाज गूंज उठी, ये वो आत्माएं हैं जो अपने पापों से बंधी हुई हैं। इनकी मुक्ति केवल मां दुर्गा की कृपा से ही संभव है। यह सुनकर सभी दोस्तों को समझ में आया कि वे एक अदृश्य युद्ध के बीच में हैं, एक युद्ध जो भले और बुरे के बीच हो रहा है। मां दुर्गा की प्रतिमा से निकलने वाली रोशनी ने उन आत्माओं को कमजोर करना शुरू कर दिया, लेकिन ये बुरी आत्माएं इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थीं। उन्होंने एक आखिरी बार हमला करने की कोशिश की। वे पांचों दोस्तों के चारों ओर घेरने लगीं। नील और शंकर ने उन आत्माओं को दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन उनके शरीर ठंडे हो गए, जैसे उनकी सारी ऊर्जा खींच ली गई हो। अंकिता और प्रिया ने जोर से चिल्लाते हुए मां दुर्गा से प्रार्थना की, मां हमें बचाओ, हमें इनसे मुक्ति दिलाओ। तभी मां दुर्गा की प्रतिमा से एक तेज गर्जना सुनाई दी। प्रतिमा की आंखें और भी चमकने लगीं
और उसके हाथों से एक चमकता हुआ त्रिशूल निकल आया। त्रिशूल ने हवा में तीर की तरह उड़ते हुए उन बुरी आत्माओं पर हमला किया। एक एक करके आत्माएं चीखते हुए गायब होने लगीं। उनकी चीखें घाट के चारों ओर गूंजने लगीं, लेकिन मां दुर्गा की दिव्य शक्ति ने उन्हें हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। अब चारों ओर शांति छा गई थी। गंगा का पानी फिर से शांत हो चुका था और घाट की आरती की रोशनी फिर से जल उठी। पांचों दोस्तों ने राहत की सांस ली। उनके शरीर थकान से चूर हो चुके थे, लेकिन दिलों में एक नई ऊर्जा आ गई थी। उन्होंने समझ लिया था कि मां दुर्गा की कृपा से ही वे इस भयानक रात से बच पाए थे। राहुल ने मां दुर्गा की प्रतिमा की ओर देखा और धीरे धीरे कहा, हमने जो देखा वो कभी भूल नहीं पाएंगे। मां दुर्गा ने हमारी जान बचाई। नील, जो हमेशा हंसी मजाक करता था, अब गंभीर हो चुका था। उसने कहा, यह सिर्फ एक रात नहीं थी, यह हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था। हमें मां दुर्गा की शक्ति और उनके आशीर्वाद का एहसास हुआ। प्रिया, जो अब तक सबसे ज्यादा डरी हुई थी, ने मां दुर्गा के चरणों में प्रणाम किया और बोली, मां, आपने हमारी रक्षा की। हमें इस अनुभव से जीवन भर की सीख मिली है। अब हम समझ गए हैं कि यह सिर्फ एक पूजा नहीं, बल्कि मां की दिव्य शक्ति का प्रतीक है। शंकर ने सबको देखा और कहा, चलो वापस चलें। अब सब कुछ ठीक हो चुका है। हमें मां के आशीर्वाद से सुरक्षित रख लिया गया है। वे सभी घाट से वापस बाग बाजार सर्बोजानिन की ओर लौटने लगे। मां दुर्गा की प्रतिमा अब और भी दिव्य लग रही थी। पंडाल की रोशनी में उनके चेहरे पर शांति और सुरक्षा का भाव था। रात खत्म हो चुकी थी और अब सुबह की पहली किरणें उभर रही थीं। कोलकाता का शहर फिर से जागने लगा था। लोग फिर से दुर्गा पूजा के उत्सव में शामिल होने लगे थे, लेकिन पांचों दोस्तों के लिए यह रात जीवन भर याद रहने वाली थी। यह सिर्फ एक नाइट आउट नहीं था, बल्कि एक अद्भुत अनुभव था जिसने उन्हें मां दुर्गा की शक्ति का एहसास दिलाया था।